ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज माता कलीसिया मन चिंतन करने के लिए संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 वचन 11 से लेकर 19 तक दे रहे हैं। आज के इस पाठ के मुख्य संदेश है ईश्वर से प्राप्त अनुग्रह के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। शायद आप लोगों ने सुना होगा हमारे उज्जैन के सम्राट राजा विक्रमादित्य के बारे में। विक्रमादित्य अपने दरबार के सारी मंत्रीगणों को बुलाया और उसने उनसे एक प्रश्न रखा, कहिए सूर्य के नीचे इस धरती पर ऐसी कौन सी चीजें हैं, महत्वपूर्ण तीन चीजों के बारे में मुझे बताना। मंत्रीगण सभी इस पर मनन चिंतन के विमर्श किया, परामर्श किया और उन सबके बाद एक मत पर आए और राजा से कहा, प्रभु आपके प्रश्न के अनुसार हमने पा लिया। सबसे पहले मंदिर में ईश्वर की पूजा आराधना और दूसरा गंगा स्नान और तीसरा स्वयं राजा विक्रमादित्य। राजा ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराई और उनसे कहा, आपकी जो दो बातें हैं उस पर मैं सहमत हूं, लेकिन तीसरी बात जो महत्वपूर्ण चीज है, दूसरों से प्राप्त उनके जो कार्य हैं उसके प्रति कृतज्ञ बनना, उन्हें धन्यवाद देना, वही सबसे महत्वपूर्ण या तीसरी चीजें हैं इस धरती पर। जी हाँ प्रिय बहन बहनों, आज के सुसमाचार भी इस बात को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रभु यीशु ने देखा 10 कोड़ी दूर में खड़े होकर प्रभु से आग्रह करते हैं कि हम दया का। एक पल हम इतिहास की ओर चले, यहूदी धर्म में और कोई कोड़ी से पीट दिखे वो यही मानते थे कि ईश्वर ने दिया हुआ दंड है, इसने इतनी बड़ी पाप किया है, इस पाप की वजह से ईश्वर ने ऐसे एक दंड उन्हें सौंपा है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो पुरोहित प्रमाणित करते हैं कि ये कोड़ी से द्रवित है, पीड़ित है, तो उनसे घर से निकाल देते और समाज में भी रहने के लिए कोई अवस्था नहीं थे, दूर समाज से दूर खड़े होते हैं, दूर रहते हैं और जितने भी कोड़ी लोग हैं वो सब एक साथ हो जाते हैं। और हमने देखा वहां पर 10 कोड़ी थे और उसमें से एक सामरी थे। समरियों के शायद इतिहास आपको मालूम है, यहूदियों से भिन्न थे, कभी भी यहूदी लोगों के साथ उनके मेल मिलाप करने के लिए अवसर नहीं थे, कोई भी कार्यक्रम में बुलाते नहीं थे, एक प्रकार के एक छुआछूत उनके साथ थे। ऐसी अवस्था में जब घोड़ी निकल गई तो उनके समाज में भी जगह नहीं, इनके समाज में भी जगह नहीं, जो जो कोड़ियों से पीड़ित हैं एक साथ आ जाते हैं। वहां पर कोई समरी नहीं थे, वहां पर कोई यहूदी नहीं थे, सब बराबर। और एक बात है कि इन लोगों को अच्छे अच्छे कपड़ा भी पहनना मना था, फटे फुटे कपड़े पहनने का अधिकार थे और अपने बाल भी कंघी नहीं कर सकते थे, यानी हर प्रकार से तिरस्कृत लोग थे ये लोग। वही लोग ईश्वर पर आश्रय रखकर ईश्वर से अपेक्षा करते हैं, प्रभु हम दया कीजिए। प्रभु के हृदय भी द्रवित हो गए और वो नहीं चाहते कि एक भी बच्चा, एक भी पुत्र या पुत्री इस दुनिया से अलग ना रहे।
इसलिए वह कहते हैं जाओ अपने आप को पुरोहित को दर्द खाओ, क्योंकि पुरोहित ही प्रमाणित करते थे कि ये व्यक्ति रोगी है या नहीं। और जाते समय रास्ते में ही सब कोई ठीक हो जाते हैं। शायद वे लोग इतने खुश हो गए होंगे कि हम लोग ठीक हो गए हैं, शायद तुरंत अपने घर दौड़ा होगा बताने के लिए कि हम वापस घर आए, क्योंकि आज हमसे हम तो इस कोड़ी से पीड़ित नहीं। सिर्फ एक व्यक्ति मुड़कर अपने प्रभु के पास गए धन्यवाद देने के लिए, जिसने ये चंगा किया था उसके प्रति कृतज्ञ होने के लिए। यहां पर प्रभु यीशु पूछते कि क्या 10 लोग नहीं थे, सिर्फ एक ही ठीक हो गए? अगर 10 ठीक हो गए तो बाकी 9 जन कहां है? और उनसे कहते कि जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा प्रदान किया है। और आज वह ना सिर्फ शारीरिक रूप से ठीक हो चलेंगे बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी वो ठीक हो गए। बाकी 9 जन शारीरिक रूप से ठीक हो गए, अपने अपने काम करने चले जाते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक रूप से ठीक नहीं हुए। प्रिय मित्रों, चाहे ईश्वर हो या इंसान, ईश्वर के इसके लिए कोई जरूरत नहीं कि आके मुझसे कहे कि मुझे धन्यवाद दे, फिर भी वो चाहता है जो कुछ वो प्रदान करते हैं उसके प्रति इंसान किस प्रकार उसका प्रत्युत्तर देते हैं, और हमारे ऊपर वह निर्भर है किस प्रकार हमने ईश्वर से ये अनुग्रह प्राप्त करने के बाद उनके साथ कैसे किया है, का क्या कार्य किए हैं। कहते हैं एक दिन में 86,400 सेकंड है, 86,400 सेकंड्स। इतने सेकंड में से कितने सेकंड में प्रभु के लिए समर्पित किया है, या प्रभु को धन्यवाद देने के लिए मैंने समर्पित किया है? मित्रों, एक व्यक्ति का जिम्मेदारी है, उनके उत्तरदायित्व है कि हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ बनकर अपना जीवन बिताएं, ईश्वर को धन्यवाद दें उस पल के लिए जिस पल वह जीवित है, उस पल के लिए, कम से कम उस पल के लिए उसे ईश्वर को धन्यवाद देना है। कभी कभी हम यही समझते हैं कि जो कुछ मुझे मिलना है मेरा अधिकार है, ईश्वर को देना ही है, और हम बैठकर यही अवश्य कोई बदान के देने की कोई जरूरत नहीं पड़ते हैं कि हमेशा हमारी प्रार्थनाएं हमारी याचिका प्रभु के ऊपर प्रभु से करते रहते हैं। कोई भी ये गिनती नहीं कितने समय मैंने ईश्वर के सन्निधि में निश्चित किया है, लेकिन याचिका तो ऐसी जलते हैं कि कभी हमने ये बैठ के देखा है कितने समय जो कुछ ईश्वर ने मुझे दिया है, मेरे परिवार को दिया है, उसके प्रति कितने समय ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए उसके सन्निधि में मैं चला गया। एक प्रश्न हमें अपने आप से पूछने का है। संत पौलुस थिस्सलुनीके पत्र में लिखते हैं अध्याय 5:18, तुम लोग हर कार्य के लिए हर कार्य के प्रति ईश्वर को धन्यवाद दो, चाहे वो कार्य हमारे लिए नुकसानदायी हो, चाहे वो कार्य हमारे जीवन में दुख दर्द हमें प्रदान किया हो, कुछ भी हो, उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद दें कि हम सक्षम हैं उसको करने के लिए। जब हम संतों के जीवन देखते हैं, उनके जीवन में जब उनका जीवन शैली हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हर कार्य के लिए वो ईश्वर को धन्यवाद देते थे, खुशियों से अपना जीवन बिता रहे थे, चाहे उनको खाने के लिए कुछ मिले या ना मिले, कभी भी ईश्वर के विरुद्ध उसने कुछ नहीं कहा है। यही बात आज हमको भी सीखने का है, यही हमारे जीवन में उतारने का है, जो प्रभु कहते हैं कि जाओ जैसे तुम चाहते हो उसी प्रकार तुम्हारे साथ होंगे।
ठीक हो जाते हैं, लेकिन मुड़ के देखना। प्रिय मित्र, आज भी हमारे परिवार में कई ऐसी संकट से हम लोग गुजर रहे हैं। कई बार ना जाने कितनी बार जो कुछ नहीं होना था वो होने के बाद भी हमारा विश्वास तो टूटा नहीं, लेकिन ईश्वर के सन्निधि में जाने के लिए। अभी हमें मालूम है कि इस कोरोना काल में ईश्वर ने एक अवसर दिया है, परिवार के सब लोग मिलकर बैठकर प्रार्थना करें, एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें, कुछ समय अपने प्रिय जनों के लिए अपना समय खर्च करने के लिए ईश्वर ने दिया है। अगर हम इसी को एक अवसर के रूप में देते हैं, लेते हैं, हमारा जीवन भी धन्य बन जाते हैं। जो कुछ होते हैं हमारे जीवन में, चाहे वो दुख का हो चाहे वो सुख का, किस प्रकार में देखते हैं, मेरा नजरिया किस प्रकार है, किस प्रकार में उसे ग्रहण करते हैं, दूसरों के ऊपर नहीं मेरे ऊपर होते हैं, तभी या वही हमें धन्य बना देते हैं। प्रिय मित्रों, आज के इस सुसमाचार, ये संदेश हमसे भी आग्रह करते हैं, जो जीवन आज करीब 3-4 महीने से हम लोग अपने घर में ही हैं, जो हम जाना चाहते वहां नहीं जा पाते, ईश्वर का एक देन है, ईश्वर ने एक अवसर मुझे दिया है ताकि मैं अपने जीवन की ओर और भी देख सकूं, मेरे पास क्या है, मेरे जो भी प्रतिभा है कुछ भी है उसे देख उसके अनुसार कुछ करके प्रभु को दिखा दो, वही से मैं खुश हो जाता, वही ईश्वर हमसे भी चाहते हैं। तो आइए हम कोशिश करें, ईश्वर से ही प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ऐसी शक्ति कृपा प्रदान कर ताकि मैं हर चीज के लिए आपके प्रति कृतज्ञ बनकर अपना जीवन बिताता हूं। एक बार एक व्यक्ति चर्च जाकर प्रार्थना की, समाज में रहने वाले काम करने वाले व्यक्ति, प्रभु मेरे उनके सामने जाने के लिए मेरे पास अच्छा एक जूता नहीं, कृपा करके एक जूता खरीदने के लिए मुझे पैसा इकट्ठा करके दे, कोई भी रास्ता मुझे दिखा दे। जैसे वो प्रार्थना करके मोड़ कर बाहर आ रहे थे तो चर्च के बीचों बीच रास्ते के बीच में उसने के रास्ते में ही एक व्यक्ति गिरकर प्रार्थना करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब इस व्यक्ति ने देखा उस आदमी के पास दोनों पैर नहीं थे, तुरंत ही व्यक्ति मोड़कर प्रभु को धन्यवाद देते, प्रभु क्षमा कीजिए, मैं धन्यवाद देता हूं, आज मेरे पास चप्पल नहीं, मेरे पास जूता नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपने तो मुझे दोनों पैर दिया है, इस व्यक्ति के अनुसार मैं कितने सौभाग्यशाली हैं। जी हाँ प्रिय मित्रों, अगर हम ढूंढ के देखें समझ लें तो हम सौभाग्यशाली हैं। हर पल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का है, क्योंकि ये पल ईश्वर ने मुझे दिया है, मुझे देखने के लिए, मेरे विश्वास को देखने के लिए, उसके अनुसार मैं किस प्रकार अपना जीवन बिताते हैं ये देखने के लिए। तो आइए हम भी अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित करें, जो कुछ मेरे जीवन में आते हैं चाहे वो दुख का हो चाहे वो सुख का हो, ईश्वर के लिए धन्यवाद दे, तेरी कृपा से मुझे ये मिला है, धन्यवाद देता हूं। सबको जय श्री।